फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि रेलवे टिकट ट्रांसफरेबल होती है? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। आज मैं जो व्लॉग कवर कर रही हूँ वो इट्स इज़ अ पार्ट ऑफ माय डेली लाइफ, बट क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है तो मैंने सोचा मैं ये व्लॉग बनाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि रेलवे टिकट ट्रांसफरेबल होती है? नहीं तो अब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से इस चीज़ के लिए भाग रही हूँ। फिलहाल मैं आपको डिटेल्स बाद में दूंगी, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ वसई रेलवे स्टेशन, बिकॉज मैं जो काम 3 दिन से कराने की कोशिश कर रही हूँ, जो अपेरेंटली हो चुका है बट फिर भी इनकम्प्लीट है, अब उसका पूरा जिस्ट मैं आपको देती हूँ थोड़े समय में। फिलहाल तो आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू एक्चुअली रन। पापा ऑलरेडी स्टेशन पहुँचे हुए हैं मुझसे पहले, क्योंकि कुछ प्रिंटआउट्स वगैरह लेने थे, उसको फॉर्म फिल करके सबमिट वगैरह करना है, तो इसके लिए मुझे भी भागना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन आने लगेंगे। मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि क्या कंसर्न है और क्यों मैं 3 दिन से इस काम के लिए भाग रही हूँ, और एग्जैक्टली क्या मतलब इसका प्रोसीजर है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड। सो आई बी बैक। सो दिस इज़ दी एंट्रेंस फॉर वसई स्टेशन, वेस्ट के तरफ से, बुकिंग ऑफिस वेस्ट की तरफ से आता है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली भाग रही थी स्टेयरकेस पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, हिल रहा था इमेज, बट ये हो गया हमारे बुकिंग का जो काम, हमारा जो ट्रांसफ़र का काम था वो हो गया था। ये बुकिंग ऑफिस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये है वसई रेलवे स्टेशन। काम वगैरह सब हो गया था, मेरे फादर को ऑफिस भागना था तो हम दोनों फटाफट स्टेशन से निकले फिर बाहर, एंड देन वी लेफ्ट। मैं तो घर आ गई और मैं आपको आगे का प्रोसेस अब समझाती हूँ। सो मैं थक हार कर पहुँच गई हूँ वापस से घर पे। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। हुआ ये है कि मेरी कज़न की शादी है, ठीक है, हमें जाना है लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर। सो लखनऊ की हमारी, लखनऊ तक की हमारी टिकट है, एक्चुअली मेरी नहीं थी, मम्मी की थी और पापा की थी। पहले तो यही था प्लान कि मम्मी और पापा जाएंगे, किसी वजह से पापा के ऑफिस के काम की वजह से पापा छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं। अब मेरा प्लान तो ये था कि मैं चंडीगढ़ से ही फ्लाई करके लखनऊ चली जाऊंगी। आई एम नॉट अ वेरी ट्रेन वाला पर्सन, स्पेशली लॉन्ग जर्नी ट्रेन, तो आई डोंट प्रेफर दैट। मैं प्रेफर करती हूँ फटाफट, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेन होता है, ऑफिस का काम वगैरह चलता ही रहता है, तो उसकी वजह से मैं लॉन्ग लीव्स वगैरह इतना डालती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको वहाँ पर पहुँच के घूमने फिरने, लोगों से मिलने में यूटिलाइज करूँ, ना कि ट्रैवलिंग में। और ट्रेन का आपको पता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का कैसे होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा समय ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो अभी हुआ ये था कि पापा का तो कैंसिल हो गया, अब मम्मी ये कह रही थी कि मैं भी अपना कैंसिल कर देती हूँ, मैं अकेले तो जा नहीं पाऊँगी, ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी अकेले। शी डज नॉट प्रेफर ट्रैवलिंग अलोन, एंड वी ऑल्सो डोंट प्रेफर पर्सनली, बिकॉज अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है ट्रेन, हालांकि टू टायर एसी का था, टू टायर एसी का हमने निकाला हुआ था टिकट, अभी तो काफ़ी अच्छे से सब कर्टन्स वगैरह लगने लगे हैं दोबारा, सब कुछ पूरी प्राइवेसी होती है। हाउएवर हुआ ये कि मैं आ गई मुंबई, बिकॉज मेरा भी कुछ काम था तो मैं मुंबई आ गई। अब जब मैं मुंबई आई गई थी तो प्लान ये बना कि मैंने फ्लाइट की टिकट तो अब तक निकाली नहीं है, तो मैं मम्मी के साथ ट्रेन में चली जाती हूँ। और इन लोगों ने पता कर लिया था कि ट्रेन की टिकट जो है वो ब्लड रिलेशन को ट्रांसफरेबल होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पापा की टिकट थी, ठीक है, सेकेंड एसी की, और मम्मी की टिकट थी, तो मम्मी तो जा रही है, पापा नहीं जा रहे थे, तो पापा की टिकट जो है आने की जाने की दोनों, तो बेसिकली यहाँ से पुष्पक से हम जा रहे हैं लखनऊ, और लखनऊ से वापसी की भी टिकट है जो भी हमारे डेट की, तो वो तो दोनों टिकट ट्रांसफर कर दी गई है मेरे नाम पे। अब ट्रांसफर किसको कर सकते हो आप ब्लड डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप को आप ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है, उसके पेरेंट्स को हो सकता है, उसके बच्चों को हो सकता है, उसके हस्बैंड या वाइफ को हो सकता है, या उसके भाई बहनों को हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका सर नेम आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम हो सकता है। तो अगर जैसे मेरा जो सरनेम है वो है स्नेहा सिंह, पापा का स्नेहा रवि सिंह, ऑब्वियसली मेरे फादर का नाम है, तो मेरे पापा का नाम भी वही है, रवि कुमार सिंह, बहुत ही मतलब एविडेंट है वो कि ये जो है मेरे फादर का नाम है। तो मैंने क्या सबमिट किए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे पहले बताती हूँ मैं आपको। प्रोसीजर ये है कि आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे जाना है जहाँ से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की बुकिंग करते हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, एक तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि आपको ट्रांसफ़र करना है इस नाम से इस नाम पे जो कि ये रिलेशनशिप में आते हैं, और कौन सा ट्रेन है, पीएनआर नंबर क्या है, वो एक एप्लीकेशन पे आप रफली लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ
ऐसा बड़ा एप्लीकेशन लेटर नहीं लिखना है, बस नॉर्मल सा। उसके अलावा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, मैं आपको फॉर्म भी अभी दिखा देती हूँ क्या है कैसा फॉर्म है, दैट ऑल्सो आई विल शो यू। मैंने एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लिया था ब्लैंक फॉर्म का, तो आपको वो दिखा दूंगी। हमने सबमिट किया एड्रेस प्रूफ जो कि है राशन कार्ड, जिसमें कि दिखा रहा है मेरा भी नाम है, मेरे घर के राशन कार्ड में मेरे फादर का भी नाम है, तो वो एक हो जाता है प्रूफ कि भाई डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप है। उसके अलावा मैंने सबमिट किया अपना और पापा का आधार कार्ड, जिसमें कि नेम मैच होना चाहिए, तो नेम मेरा पापा का मैच हो रहा है ऑब्वियसली, तो वो चीज़ें हमको लगी डॉक्यूमेंट्स पे। जब आप फॉर्म भरेंगे, आपको अभी बता दूँ मैं 3 दिन से क्यों भाग रही हूँ। अब मैं 3 दिन से इसके लिए भाग रही हूँ क्योंकि पहले दिन हम गए, तो पहले दिन ये हुआ कि हम संडे को गए थे, संडे को 2 o'clock के बाद रेलवे का ये जो बुकिंग ऑफिस है ये काम नहीं करते, तो हम वापस आए। हम मंडे को वापस गए, मंडे को हमने सब कुछ किया, फॉर्म वॉर्म जो फिल करने बोला सबका प्रिंट आउट लिया ये वो, तो प्रिंट आउट वगैरह भी ले लिया था, सब कुछ फिल कर दिया। हमने एक फॉर्म हमको दिया गया था, हमें कहा गया था कि आपको अपने जाने आने की डिटेल्स जो भी है इसी फॉर्म में भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बैच आपको सबमिट करना, मतलब एक एक कॉपी, उस पर साइन वाइन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो हमने सबमिट कर दिया, डन। ठीक है, हमें शाम को कॉल आया कि भाई आपका सिग्नेचर एक जगह पर रह गया है। तो हम कल नेक्स्ट डे वापस गए, मतलब ट्यूसडे को हम वापस गए, ठीक है। तो हमने हो किया, साइन करके आए एक जगह पर, फिर हमको ट्यूसडे इवनिंग में फिर से कॉल आया कि आपने जो फॉर्म भरा था वो एक ही भरा था, हमें पता चला है कि प्रोसेस में चेंज है और आपको 2 फॉर्म भरने, क्योंकि आपके आने का एक फॉर्म होगा, आपके जाने का एक फॉर्म होगा, तो 2 टिकट ट्रांसफर हो रही है, तो फॉर्म 2 होंगे आपके अलग अलग। पहले कैसा प्रोसेस था, मैंने पूछा कि फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले प्रोसेस ये था कि एक ही फॉर्म में चलता था, तो हमने आपसे एक ही फॉर्म भराया, अब जब हम उसको सबमिट कर रहे हैं मेन ऑफिस में तो ऑफिस वाले डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 फॉर्म लगेगा, मतलब जितना टिकट पे आपको नाम ट्रांसफर करना है उतने फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर वेडनेसडे, मतलब आज के दिन हम फिर से गए, हमने डबल फॉर्म भरा, अब तो मतलब पुराना फॉर्म तो वैलिड ही नहीं है, उसमें तो दोनों जगह की डिटेल्स एक साथ डाले थे, तो हमने 2 फॉर्म के प्रिंट आउट एक्स्ट्रा लिए, एक में जाने का भरा, एक में आने का भरा, सारी डिटेल्स डाले, डॉक्यूमेंट एक बैच हमने ऑलरेडी दिया हुआ था तो उसको एक फॉर्म के साथ अटैच किया, एक और डॉक्यूमेंट का बैच लिया उसको दूसरे फॉर्म के साथ अटैच किया, तो 2 फॉर्म और दोनों पे अटैच डॉक्यूमेंट्स, मतलब 2 आधार कार्ड एक एक पे, ठीक है, फिर उसके बाद 2 मतलब हम लोग दोनों के आधार कार्ड एंड राशन कार्ड का भी कॉपी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्म, आपके फॉर्म पे दोनों जन का सिग्नेचर होना चाहिए, जिसके नाम पे था और जिसके नाम पे होने वाला है दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। सिमिलरली आधार कार्ड जिसका है, जैसे मेरा आधार कार्ड है तो उसमें मेरा साइन होगा, उसमें पापा का साइन नहीं लगा, लेकिन राशन कार्ड जिसमें दोनों का नाम है उसमें मेरा पापा दोनों का सिग्नेचर लगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, आज फाइनली जाके वो काम हुआ है। हालांकि उन्होंने हमको दिखा दिया मेरा नेम चेंज उन्होंने पहले ही दिन कर दिया था, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी होता है, उनका भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपेरेंटली, उन्होंने बताया ये चीज को लेकर, तो इसके लिए वो ये चीज को बार बार रेक्टिफाई करके हमको बुला के, मतलब ताकि आगे जाके वो जब मेन चार्ट निकलेगा, जब हम जाएंगे जिस दिन ट्रेन पकड़ने, उस दिन कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए उन्होंने हमको सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करवाई। थोड़ा सा हैसल था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, बट उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेट मी टेल यू दैट। अब जो अच्छा है अच्छा है, जो खराब है खराब है। खराब ये था कि बहुत बार भागना पड़ा, क्लैरिटी नहीं थी समहाउ, उन लोगों को भी नहीं थी कि क्या प्रोसेस है। उन्होंने बताया पहले ट्रांसफर होता था टिकट्स का, ठीक है, बाद में वो बंद हो गया, बीच में फिर से स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है इतने लोगों को, आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे ये व्लॉग उनमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेरे काफी रिलेटिव्स ने भी सुना, उनको भी नहीं पता था कि टिकट ट्रांसफरेबल होती है रेलवे टिकट लॉन्ग डिस्टेंस वाली। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मैंने सोचा ये व्लॉग बना लेते हैं, पेरेंट्स ने भी एडवाइस किया, भाई भी कह रहा था यार मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट, पीपल शुड नो कि ऐसा होता है और क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप कर सकते हो, कहाँ पर जा सकते हो वगैरह, तो इसलिए मैंने बनाया। और एक चीज मैंने देखी, एटलीस्ट मुझे बाकी काउंटर्स का नहीं पता, बट वसई वाला जो काउंटर है जहाँ पर मैं जा रही हूँ, जो मेरे घर का है, वहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। जब हम पहले दिन गए तो हमने काउंटर के बाहर से जैसे लाइन लगा के करते सब कुछ वैसे किया, लेकिन जब उनकी मिस्टेक थी, उन्होंने कुछ मिस आउट किया था दोनों दिन तीनों दिन, तो उन्होंने हमको ऑफिस के अंदर बुलाया, आराम से ऑफिस में चेयर पे हम बैठे, आराम से उन्होंने टाइम लेकर समझाया, हमने सब कुछ फिलअप किया और सबमिट किया। तो ये चीज़ है कि दे वर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल हार्श रूड नहीं थे, लीस्ट बॉर्डर्ड वाला एटीट्यूड नहीं था उनका, बहुत अच्छे से किया। मैं आपको फटाफट ये व्लॉग एंड करने से पहले वो फॉर्म भी दिखा देती हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरह का फॉर्म मिलेगा, आपको क्या फिल करना है। तो ये देखिए, ये है वो फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज ऑन रिजर्व टिकट, ठीक है।
हमारी 2 टायर एसी की जो है कंफर्म टिकट थी, रिजर्व टिकट थी। अब ये क्या है, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, ये आप रहने दो, ये एक्चुअली एप्लीकेशन की तरह ही है, आप इसको ऐसे ही भरोगे। इसमें हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया है, तो जो भी आप कंफर्टेबल हो वो आप लाइन भर सकते हो। हमने इंग्लिश में फिल किया था। यहाँ पर PNR नंबर आएगा, ट्रेन नंबर आएगा, डेट ऑफ जर्नी आएगी, कौन सा क्लास का था वहाँ पर लिखना पड़ेगा, कहाँ से है कहाँ तक आपको जाना है, एज, जेंडर, रिलेशन, मतलब रिलेशन एज जेंडर, नेम एज जेंडर किसका आएगा यहाँ पर पता है, मेरा आएगा, पापा का नहीं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैसे आएगा, मौजूद नाम, मतलब जो जिसका ऑलरेडी, यहाँ पर पापा का आएगा और यहाँ पर मेरा आएगा, दोनों की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ। और फिर यहाँ पर पापा ने साइन किया था, यहाँ पर मैंने भी साइन किया था, एंड देन ये फॉर्म हमने सबमिट किया था। तो बेसिकली ये एक फॉर्म है, इसकी हालत पे मत जाओ, थोड़ा सा रखा हुआ था फाइल में इसके लिए, लेकिन हमने 2 फ्रेश फॉर्म्स भर के सबमिट किए। एक और चीज़ आपको लगेगा, चार्जेस क्या लगे नेम ट्रांसफर के, 0 चार्जेस है, कोई चार्जेस नहीं लगे हमको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हमारा। एंड अब किसी भी, जैसे कि मैंने कहा, नियरेस्ट बुकिंग ऑफिस में जाके इसको ट्रांसफर करा सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। शर्त सिर्फ इतनी है कि सामने वाला आपका ब्लड रिलेशनशिप में आना चाहिए, आप राशन कार्ड में उसका नाम होना चाहिए, एंड आधार कार्ड में आपका नेम मैच होना चाहिए। ये आइडिया है ओवरऑल जो मुझे मिला है अभी ये ट्रांसफर वाले इसमें। बाकी आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। एक बार बस आपको कंफर्म करना पड़ेगा, जब भी आप, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, क्योंकि अब तो नेम ट्रांसफर स्टार्ट हो गया दोबारा, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो जब आप करवाना होगा, या टिकट आप जब बुक कर रहे होगे, अगर चांसेस है कि आपको नाम ट्रांसफर कराना पड़े तो एक बार चेक कर लेना कि वो प्रोसेस अभी भी चालू है या नहीं, जस्ट सेफर साइड रहने के लिए। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग, यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ यू डिड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। शेयर जरूर करना लोगों को हेल्प करने के लिए।